नमस्कार, मैं जिग्नेश, ऑल्ट न्यूज़ से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक कमरा दिखाया गया था जो कि पूरा नोटों की गड्डियों से खचाखच भरा हुआ था। वीडियो को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि यह कर्नाटका कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार का दिल्ली में सफदरगंज एनक्लेव वाला बंगला है, जहाँ पर छापा पड़ा था, और ये वीडियो उसी से संबंधित है। इसी वीडियो को कुछ दिन पहले तमिलनाडु के AIADMK के नेता वेलुमणि के गोडाउन का कहकर साझा किया गया था, और इसी वीडियो को इन दिनों BJP के MP राजीव चंद्रशेखर के सफदरगंज वाले बंगले पर पड़े छापे का कहकर चलाया जा रहा है। वीडियो को गौर से देखने पर यह पता चलता है कि वीडियो में दिखाए गए नोट भारतीय मुद्रा है ही नहीं, वो दरअसल यूरो हैं। वीडियो की और पड़ताल करने पर यह पता चलता है कि वीडियो के साथ किया गया दावा भी फर्जी है, क्योंकि यह कोई नोटों की गड्डियां नहीं बल्कि यह कलाकृति है। स्पेन के कलाकार अलेहांद्रो मुंके द्वारा बनाई गई यह कलाकृति का एक एग्जीबिशन हुआ था, और यह वीडियो उसी से संबंधित है। अलेहांद्रो मुंके ने जब यह वीडियो दूसरे देशों में वायरल हुआ था, तब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन सभी दावों का खंडन किया था। तो आज आपने देखा कि कैसे एक वीडियो को सोशल मीडिया पर कई अलग अलग फर्जी दावों के साथ साझा किया गया था। ऑल्ट न्यूज़ के श्रोता होने के नाते हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी भ्रामक तस्वीर या वीडियो को साझा करने से बचें, और उसे साझा करने से पहले एक बार उसकी पुष्टि कर लें। धन्यवाद।